नोजिया टाइप का हो रहा है मतलब। नोजिया? दो मिनट। हाँ मनु का भाई आ रहा है तो मनु ने इसलिए किसने कहा था ये बताओ। मैं तो हाथी घोड़े के लिए बोला था। दीदी का है ना? दीदी इसको सही करके देगी। सब्र नहीं हो रहा है मुझसे, जल्दी जल्दी छोड़ो उसको। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका हमारे आज के न्यू ब्लॉग पर। और आप सबको हमारा नमस्कार, प्रणाम, पहला कैसे आप सब लोग? आई होप कि सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। अभी आप कैसे हो? हम भी बढ़िया है, मस्त है। और अभी हमारे नाश्ते में चल रहा है क्या है बेबी, बताना। हम बढ़िया नहीं, हमारे यूरिक एसिड से पंप फुल गया है के पैर में आई है स्वेलिंग यूरिक एसिड के चलते, तो इन्हें बहुत दिक्कत हो रही है इस वक्त। और अभी चाय में, चाय के साथ हम लोग खा रहे हैं टिक्की बना के, वो भी चने की, है ना? फिर तो बहुत बढ़िया हो रही है, सॉफ्ट सॉफ्ट सी खाने भी टेस्ट के साथ बढ़िया आ रहा ना। मैंने कहा वाह, तैयारी करके मैं दूं आइडिया करने देने से क्या होता है ये बता। बनताया तो नहीं। तो फिलहाल अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं जाकिर एंड क्या था, जजेस ऑफ इंडिया बेस्ट डांसर करके आ रहा। अच्छा पता नहीं इसमें दो, देखो लिखा तो सीजन 7 जाकिर जज ऑफ इंडिया बेस्ट डांसर। अच्छा आने वाले इसमें आज का शो ये है टैलेंट्स वगैरह। हाँ तो वह है, वैसे आपका अपना जाकिर है इस शो का नाम, जिसमें आया था जुबिन नौटियाल, उसने गाया था गाना सुआ तेरी आँखों में, गाने भी गाने नहीं दे रहे मेरे को, पता खटखट की आवाज इतनी आ रही है। चलो अब हम अपना ब्रेकफास्ट करते हैं और आपका अपना जाकिर देखते हैं। एक घंटा हो गया इसको बाजार जाने के लिए, बोला मैंने दवाई लाने के लिए, एक घंटा हो गया जाने का नाम ले रही। तुमने मास्क क्यों पहना? कभी कोरोना तो खत्म हो गया, डॉक्टर ने कहा है। डॉक्टर ने कहा कोरोना फिर अच्छा और कवर करके रखो, जाके बजा दो दवाई लेना है। बाय बाय। तुमने मेरे को आज क्या खिलाया है बताओ पहले? अर्जुन की छाल पिलाई मैं तुमको आज। अर्जुन की छाल खा लगा दे, मेरे को वोमिट जैसा हो रहा है। क्या बोलते उसको, मुझे क्या पता क्या होता ना, कुछ बोलते हैं कुछ नोजिमा स्टेप का, कुछ बोलते हैं नोजिया टाइप का हो रहा है मतलब। नोजिया? हां तो मेरा फोन दो मैं जा रहा हूं। चलो भाई मेरा सामान भी ले लिया है, यहाँ से हम निकलते हैं घर को फटाफट से, गैस पहुँच जाए इससे पहले अपना खुद पहुँचना है। सामान तो ले लिया, अब जाते हैं घर को। एक बार बब्बू को कॉल कर लेते कुछ लाना तो नहीं करके, फिर कहेंगे ये ले आना। अच्छा हुआ मैंने शॉर्ट्स पहनी हुई थी, कपड़े फुल पहनने लायक तो हो नहीं रहा पहले, ऊपर से कीचड़ के छींटे लग मार जाते लोग यार, छींटे छींटे हो गए, पूरा कीचड़ मार के चलेगी छींटे। ये देखो भाई इन लोग के काम धाम ये चल रहा है, ये धुआं धुआं कहाँ से हो रहा है पीछे से? हाँ मैं दिखा दे रही, मैंने कहती सैम भैया साउल भैया ये लोग देख लो करते भी नहीं है ये। मैं पूरी कीचड़ से सन चुकी। अरे मत पूछो यार बे, वो तभी तो घंटे लग गए रास्ते में, संभल संभल के आना पड़ रहा है। रिक्शे वाले के चक्कर में कौन लगे रहते हैं घंटे का, भीगा के चले जाते हैं। पानी जैसा झोंका और स्कूटी वाला हो देख रहा हूँ, रुकी हूँ साइड में, ऊपर से छाप तो कुछ छीटे पार के चला गया। सच्ची में आग नहीं देते, वहां से गाड़ी निकल रही थी, मैंने सोचा गाड़ी निकल जाएगी मैं लिख लूंगी, जब तक खड़ी हूँ इधर ही आके जबरदस्ती चुपका के लेके चले गए। आज तो 56 भोग जैसे क्या बना के तुमने, रायता दाल और मिक्स वेज चावल, ये चावल की सीटी क्यों बज गई? ये क्या भाई क्या हो गया है? रोटी बनाया जल्दी जल्दी, मुझे जाना है ऑफिस। दो मिनट। हाँ मनु का भाई आ रहा है तो मनु ने पूरी बढ़ी गया मेरा, मेरे चक्कर में क्या बढ़ी गया, तुम अपना काम कर रही हो मैं अपना काम कर रहा हूँ बैठ के। वैसे नहीं बात, आपसे कहा तो हटा लगाओ फिर भी सीटी मारने में लगाओ, पता नहीं क्या पता आपको देख के तो सीटी नहीं मारा होकर।
है सामान तो है यार। देखो आपकी प्लेट मैंने क्या बना रखी है। क्या बना रखी है आपको? ऐसे देखने में दो आंखें और एक स्माइल जैसी लगती है। चलो हम तो करते हैं लंच और उसके बाद निकलते हैं ऑफिस को, क्योंकि बज गए हैं 1:15। हमारे चक्कर में लेट होगी मेरे को आज। आप लंच कर लो फटाफट से, मैं आपके लंच बॉक्स वगैरह धो लूंगी फिर पैक कर लेती। क्या बात, काली कैप, काली घड़ी, काला बैग, काला जींस, बस काला जींस होती काली जींस बोलूंगी तो अपने टोन में बोल रही हूँ मैं, मेरी मर्जी में कैसे भी बोलूँ। बाय बेबो, बाय बेबो, बीवी गोरी, काला चश्मा, पता नहीं इन्होंने क्यों क्या बंद नीचे से, वो बटन देखना तो काम कर रहा क्या। देर तो गए, अब मेरे को करना अपना काम, सारा काम ऐसे टैक्सी पड़ा, मतलब कर भी तो लगता ही नहीं कि सफाई, पता नहीं कैसे धूल जैसे कहाँ से आ गई। किचन समेटती फटाफट से, फिर अभी आने वाले हैं रोहित लोग भी पहुंच जाएंगे, रोहित नाम से तो सचिन वैसे बोलते। चलो भैया निपटाओ काम। ये गिफ्ट शिप के लिए किसने कब कहा था बता, मैं तो हाथी घोड़े के लिए बोला था। खुश खुश आ जाओ, अंदर को जाओ, पहले आ जाओ, इधर को तो आ लो, कोई बात नहीं, आ जाओ ऐसे आ जाते यार, कोई बात नहीं, आओ जाओ, कोई नहीं, इधर को खिसका लेंगे, इधर को कर लो, कोई दिक्कत नहीं, अभी कोई नहीं आ रहा। वही तो मैंने यहाँ से, बल्कि ईजी है, सीधे सीधे तो भैया मिलो भाई, देहरादून से पहुंचे हैं हमारे भ्राता श्री। दीदी कह रहे सुबह से तुम आज खाना बनाने में क्या लगे पड़े हो। बच्चों को रिक्शे बैठाने के चक्कर में ब्लॉग बनाने भूल गए तो भाई बंधु लोग तो गए घर को, और मैं ना सोचा था कि यहाँ पर आके ब्लॉग बनाऊंगा, बट बारिश भी हो रही है तो ब्लॉग वैसे भी नहीं बन पाया, और ऊपर से रिक्शा भी नहीं मिला, और तो मिल जाता तुरंत जब जाना नहीं होता तब, इससे पहले कि बारिश भेजो मैं फटाफट घर पहुँच जाऊँ। अब तो हमारी परी कितने ध्यान से देख रही है अपने आप को, देखो तो यहाँ पे चल रहे हैं मेरे ब्लॉग जिसमें परी आई थी फर्स्ट डे हमारे घर पे, और आज अपने आप को बड़े प्यार से निहार रही है वो। खुश कितनी हो रही है अपने आप को देख। हेलो परी, हेलो तो बोल दो, बिजी हो? हेलो बिजी हो आप? शी सो बिजी गर्ल। मैं तो इसके साथ बैठी रही हूँ, जो सचिन लोग आए थे वो तो चले गए हैं, तो गिफ्ट भी लाया था सचिन, अभी अनबॉक्सिंग करूंगी बाद में। तो हमारे साथ में आज है अद्विका, और है बताओ नाम बताओ, चल परी है इसका नाम, झुट्टी। हर वक्त अपने आपको को कंचन बोलती रहती हो। अच्छा ये कौन है आपकी बता दो, दीदी है, दीदी के संग खेल रहे हो आप आज? अद्विका और परी यहाँ पे आके खेल रहे है ना, परी को, अच्छा हाँ अद्विका को बहुत पसंद है ड्राइंग। अच्छा अद्विका को क्या पसंद है, ड्राइंग करना? अद्विका को ड्राइंग करना बहुत पसंद है, अभी अभी अद्विका ने मुझे बताया, और अद्विका का नाम भी बहुत प्यारा है, और अद्विका जल्दी जल्दी बहुत बढ़िया ड्राइंग बनाएगी, फिर हम दिखाएंगे आपको क्या है ड्रामे वाला। तो क्या खेल रहे हो तुम दोनों, टाइम ट्रेवल गेम? तो चल भाई के साथ। अच्छा भैया गाय सो है, छोटा भाई है। हाँ दीदी का है ना, दीदी इसको सही करके देगी, इसके अंदर घड़ी की सुई लगा देगी, फिर आपको दे देगी। हाँ दे दो दीदी को, दीदी घड़ी लगा दो, सुई लगा दो, दीदी बोलो दीदी को, ओ ओ गिरेगी, पहले बोलो दीदी इसमें सुई, ये देखो इधर इसमें ही सुई थी ना यहाँ पे, ये देखो तो सही। हाँ वेरी गुड परी, बहुत अच्छी लड़की है, क्लैपिंग करो भाई परी के लिए।
क्लैपिंग दीदी प्रियला, दीदी परी के लिए क्लैपिंग करो। प्रिय परी तो बहुत अच्छी है ना। क्लैपिंग गिग्या। कहा बम्बा बम्बा ना गिर जाना यार तू, मेरे को तेरे को देख के डर लग रही है। गिर मत जाना। हाँ कौन है? अच्छे से ये दोनों तो लगे अपना काम खेलने में। आप दोनों खेल करो, मैं अपने बर्तन साफ कर देती हूँ। मेरे बर्तन आज सुबह से ऐसी कैसी है, सूख गए मेरे बर्तन ऐसी कैसी है। तो ये दो जने अपना आप लगे रहते हैं यहाँ पे खेल करने में, तब तक मैं बर्तन साफ कर लूँ फटाफट से। तो जी चलिए अभी हम करने जा रहे हैं अनबॉक्सिंग। सचिन यानी कि हमारे ब्रदर श्री गिफ्ट लेके आए हैं। मैंने तो मंगाए थे इससे हाथी घोड़े, पर ये लेकर आ गया। जस्ट किडिंग। हाँ देखते क्या है इस पे। ओके मैं सोची थी कि पहले नितिन का वेट कर लेती, बट मैंने कहा इतना इंतजार मुझसे नहीं होगा। तो इसे ओपन करते हैं पहले। क्या है मैं देखते है, सब्र नहीं हो रहा है मुझसे। जल्दी जल्दी खड़ा उसको। आप बिलीव कैसे, मतलब क्या ही बोलूं, विश्वास नहीं हो रहा है। आज है गणेश चतुर्थी और आज ही कौन समझ सकते हो कि क्या है। और आज ही मेरे भ्राताश्री लाए हैं ये, कितना प्यारा है। गिटार गणेश, गिटार लिखा बट गिटार नहीं है, ये है सितार। लवली कितना प्यारा है। जय श्री गणेशा, थैंक यू। बट यार इसकी क्या जरूरत थी वैसे, बट वैसे तो खैर जरूरत तो नहीं थी, बट ये है कि आज गणेश चतुर्थी और गणेश जी का मेरे घर में आगमन हुआ है तो बहुत अच्छा फील आ रहा है। मतलब जो होता है ना कि कभी कुछ चीज़ें हम एक्सेप्ट नहीं करते, वो चीज़ें अगर हो, और आज सुबह से ही मैं थोड़ा सोच भी रही थी कि मैं गणेश चतुर्थी का अगर करना चाहूँ, फिर सोच रही थी कि करूँ या ना करूँ, अगर मैं प्रॉपर विधि विधान से नहीं कर पाई तो ये सारी चीज़ें मेरे माइंड में चली रही थी। तो चलिए वैसे ना सही ऐसे ही गणपति पप्पा घर में आ ही गए हमारे। बट मैं समझ रही हूँ ना वो चीज़ विसर्जन विसर्जन वाली चीज़ नहीं करूँगी, मैं इनको संभाल के रखूँगी। थैंक यू सचिन, थैंक यू फैमिली। तो अब थोड़ा अपना काम वाम कर लेते हैं। चलिए इसे जय हो। अब मैं इनको संभाल देती हूँ, हटा देती सामान वगैरह। और मैंने आज ब्लॉग वगैरह कुछ एडिटिंग किया हुआ है, सचिन से भी जल्दी जल्दी में जाने आने का ही हुआ। और उसे बनाने और एक चीज़ बता देती हूँ, ब्लॉग बनाने में उसे तो शर्म आती है ना, बोलते हैं मुझे शर्म आती है, तो खैर मैंने कहा चलो छोड़ अपना देता। और अभी करती हूँ मैं पहले अपना क्या क्या करना था, ब्लॉग एडिट करना है। तो चलिए अब मैं करती हूँ ब्लॉग एडिट। और आपको मेरे गणेश कैसे लगे कमेंट करना सचिन, क्योंकि सचिन थैंक यू बहुत अच्छा लगा सच्ची में दिल से, हम दोनों की तरफ से बहुत 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 सारा थैंक यू। सो गाइस आज की भाग दौड़ आज की भाग दौड़ भरे दिन के साथ आज के ब्लॉग को करते हैं हम यहीं पे समाप्त। और अभी मैं कर रही हूँ अपना ब्लॉग एडिट, काफी लेट हो चुका है आज। आज क्या बोलते हैं, हमारे ब्रदर श्री आए थे सचिन, और आपने देखा देख ही लिया होगा मेरे ब्लॉग में, मतलब देख ही लिया होगा जो गिफ्ट लाया था। सच में बहुत खुश हो गया, मतलब गणेश चतुर्थी के दिन बिन मतलब एक होता है ना, कहते हैं कि भगवान होते हैं
और बस सच्चे वैसे याद करूँ तो आपके पास आ जाता है, तो मुझे ऐसा ही फील आ रहा है, तो इसलिए मैं वही चीज़ बोल रही हूँ। मैं सुबह सोच रही थी और आज दिन में गणेश भगवान जी मेरे घर के अंदर आ चुके हैं आज के दिन, तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो इसी खुशी के साथ आज की ब्लॉग को करते हैं यहीं पे समाप्त, और मिलते हैं आपसे आने वाले कल के नेक्स्ट ब्लॉग पे। सो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, एंजॉय माता दी एंड गणपति बप्पा मोरिया।